अगर आप आयल्स के न्यू क्यू कार्ड्स को लेकर प्रॉब्लम में हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपके लिए वन बाय वन क्यू कार्ड के आंसर लेकर आ रही हूँ। और आज की अपनी इस ऑडियो में मैं आपको एक और क्यू कार्ड का आंसर देने वाली हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू अ बुक। अगर आप इस आंसर को समझना चाहते हैं और इसे फॉलो करके अच्छे बैंड स्कोर लेना चाहते हैं, देन डोंट मिस दिस ऑडियो टिल एंड। है देयर, माय नेम इज़ सपना धमीजा, वन ऑफ द आयल्स एक्सपर्ट ट्रेनर्स एट ग्रीन मैटर्स। इन माय टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ ग्लांस ओवर अ बुक यू रेड दैट यू फाउंड यूजफुल, और डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग बुक यू रेड। दिस इज़ क्यू कार्ड नंबर 21 इन न्यू PDF, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क बाई एग्जामिनर दीज डेज। सो आप इस क्यू कार्ड में जो आइडिया ले सकते हैं वो आप किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में, कि आपने कोई बुक कब रीड की जिसे आपने बहुत पसंद किया, वट टाइप ऑफ बुक इट इज़। यहाँ पर आप बुक की टाइप बता सकते हैं कि आपने कोई एकेडमिक बुक पढ़ी या कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी, या फिर आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी जिसमें आपको कॉमेडी या फिर कुछ अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मिला, या लाइक दैट, कि आपने यहाँ पर टाइप ऑफ बुक बताना है। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है, इस बुक में आपको क्या क्या कंटेंट मिला, यहाँ पर आप उस कंटेंट के बारे में भी बता सकते हो। एंड व्हाई डिड यू फाइंड इट यूज़फुल, कि अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो वो आपको कैसे बेनिफिट दिया उस बुक ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एकेडमिक साइंस, इंग्लिश या मैथ्स या हिस्ट्री बुक पढ़ी है तो वो आपके लिए कैसे यूज़फुल रही, या आपने कोई मोटिवेशन बुक पढ़ी है तो उसने आपकी लाइफ जर्नी में कैसे सपोर्ट किया, या उसने आपने कोई कॉमेडी बुक पढ़ी है तो उसमें आपका स्ट्रेस लेवल किस हद तक रिड्यूस हुआ। तो जो भी आप बुक चूज़ करेंगे ये चारों बुलेट पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। व्हेन यू रीड इट, आपने इस बुक को कब पढ़ा, व्हाट टाइप ऑफ बुक इट इज़, किस तरह की बुक है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये बुक किस चीज़ के बारे में है, एंड व्हाई डिड यू फाइंड इट यूज़फुल। तो आज की अपनी इस ऑडियो में मैं यहाँ पर जीत आपकी और इन इंग्लिश यू कैन विन बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ, कि मैंने इस बुक को पहली बार 2009 में पढ़ा और लेटर मैंने इसे 2019 में भी पढ़ा। सो व्हाट टाइप ऑफ बुक इज़ इट, ये एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो डिस्क्राइब करती है टूल्स को, कि हमें सक्सेस कैसे अचीव करनी है, और इवन ब्लूप्रिंट्स भी जो हमें सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग लाइफ को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। मोर ओवर ये एक कुक बुक भी है, यहाँ पर हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो हमें सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है, और तो और ये बुक एक उसकी रेसिपी भी हमें प्रोवाइड कराती है। देन आई विल डिफाइन लेटर कि इस बुक का कंटेंट क्या है, कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सक्सेस, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड गोल सेटिंग एंड मैनी अदर्स। उसके बाद वाई डिड यू फाइंड इट यूज़फुल, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूव हुई, क्योंकि मैंने इस बुक पर वर्क किया एंड लेटर ऑन मैंने उन सब चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एंड आई वॉज एबल टू मेंटेन अ सक्सेसफुल एंड रिवॉर्डिंग करियर। सो इस इन दिस वे ये बुक मेरे लिए यूज़फुल रही। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एंटायर क्यू कार्ड। वेल, आई हैव रेड मैनी बुक्स, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक बुक विच आई रेड ट्वाइस। फर्स्ट आई रेड इन 2019, The name of this book is Jeet Aapki. Then first of all, I read this book in Hindi. It's written by Dr. Shiv Kheda. And I was really inspired by this book. But in 2019, I got an opportunity to visit Chandigarh Library. And there I saw this book in English language. And I immediately collected that book from there. And the name of this book is in English, You Can Win. Well, this book is a construction manual. It describes the tools you will need for success and offers blueprints to help you build a successful and rewarding life. In the second sense, it is a cookbook. It lists the ingredients you will need to follow to become successful
एंड गिव्स यू रेसिपी एज वेल फॉर मिक्सिंग देम इन अ करेक्ट प्रपोर्शंस. Well, the content of this book is quite interesting. I found this content really amazing and really wonderful for me. It includes success, motivation, self-esteem, interpersonal skills, goal settings, planning, and many other chapters. And I was really fascinated by all these chapters. And later on, I tried to implement these things in my practical life and I got a huge success. If today I am successful, it is because of this book. It's the impact of this book. So half credit goes to the book and half credit goes to my mother, because who gave me that book. It's an inspirational book I ever read, and I suggest the people who want to read a good book, they must read this book. थैंक यू. अगर आप ऐसे ही कुछ और क्यू कार्ड के आंसर भी जानना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन कौन से क्यू कार्ड के आंसर्स चाहिए जिनमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है. आई विल प्रिपेयर माई वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ ऑन दोज क्यू कार्ड्स जो आपकी क्वेरी होंगी. एंड आई होप यू लाइक दिस ऑडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो. थैंक यू.